कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं और आज आप देख रहे हैं कि हम लोग हैं हॉपर स्ट्रीट चाइना टाउन में। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि हमें हॉपर स्ट्रीट दिखाएं और यहाँ पे जो यहाँ का फूड है वो ट्राई करें आप। तो आज हमने सोचा कि आज हम निकलते हैं यहाँ के लिए और आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी सारा ही पूरी रौनक यहाँ की। हॉपर स्ट्रीट बेसिकली सिंगापुर का बहुत फेमस आप कह रहे हैं कि एरिया है और यहाँ पे बहुत क्राउडी होता है। हर जगह पे छोटे छोटे बने हुए हैं। चाइना टाउन का सबसे फेमस हॉपर स्ट्रीट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। और हम क्या यहाँ पे ट्राई करेंगे हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं और फिलहाल हम क्या पहले स्ट्रीट पूरी विजिट करते हैं। आजादी से घूम रहे हैं, अगर तो ये पाकिस्तान में होता तो अब तक कोई से पकड़ चुका होता। तो इस टाइम हम है ये क्या नाम है इसका, क्रैब मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब, और ये कह रहे हैं कि यहाँ का क्रैब ट्राई करते हैं। तो ये जस्ट हलाल सर्टिफाइड है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये टेंशन होती है कि चेक करें कि हलाल फूड है या नहीं। तो साथ में मैं इनकी कोई सोचूं कि नूडल्स वूडल्स ट्राई करें, उनकी बहुत फेमस है, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे नूडल्स ही खा रहे होते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि वो कैसे हैं। आज मुझे वीडियो क्या बना हुआ है। और बच्चे, आज बच्चे खुश नहीं है क्योंकि दे डोंट लाइक चाइनीज फूड। तो कुछ जगह देखते हैं और बैठते हैं फिर। बच्चों ने तो यहाँ पे डिसाइड किया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये कॉइन पराठा और साथ में मटन सेट चिकन जो है ये रोटी छोटी के साथ। तो हमारा ये खाएंगे और मैं और उसने पूछने लगे हैं यहाँ पे कि इनका फेमस कौन सा है, तो फिर हम वो ट्राई करेंगे। ओह सो यू लाइक इट्स ओह माय गॉड फेमस श्रीलंका मटन। ओके यू वांट टू ट्राई दिस वन? Oh, I don't know. This one is 40. This one is? 40. 40. What? You want 35. Okay. So what's the difference between these two? This one's 8. Wait, okay. Otherwise, it's the same crab. I mean, same species. Small pig. Yeah, that's the big. Okay. This one's Sri Lanka. Okay. So what's the most famous dish of yours? Yeah, this one is very popular in Singapore. Okay. What's the name of this? What's crab? The name? Crab what? Yeah, crab or chili crab or black pepper. Okay. Oh, okay. Yeah. So, we need this white chili pepper crab. White pepper. This what one. Do you recommend? You want try chili crab or better? No spicy so many. This one mild spicy. Okay. So, you think this one is better? Better. Because you take this one or take bread, because this one sauce can be. ये वाला व्यूअर्स हम ये वाला खाने लगे। हलाल होने वाला है ये वाला हम खाने लगे। ये बेचारा कुछ बताओगे इसके बारे में, क्रैब के बारे में? अमार खाएगा क्रैब? अमार तुम खाओगे ये क्रैब? ओह माय गॉड अमार, यू कैन होल्ड। ओह माय गॉड, आर यू गोना ट्राई? दिस वन इज द क्रैब और फीमेल क्रैब? दिस वन इज द फीमेल क्रैब। फीमेल हम ये वाला ट्राई करने लगे। और इसका क्या, चिली रेड चिली क्रैब? ओह माय गॉड, बस इतनी मेरी हिम्मत है। अमार तुम्हें कैसा लगा क्रैब? डर लग रहा था मुझे, मुझे उठाया था लेकिन वो वाला जो जिनके जिसके हाथ लगे हुए थे ऐसे करके, लेकिन वो वाला उससे डर था दोनों से, क्योंकि जिसके बैक साइड से थी ना पकड़ने की जगह, उससे डर नहीं लगा था पकड़ने में। पकड़वाऊं चल के? हैं?
तो दे देंगे दोबारा पकड़ने के लिए, पकड़ना है। सो गाइस हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, अब देखते हैं कि कैसा है ये यहाँ का जो है क्रैब जो हम ट्राई करने लगे हैं। तो हॉपर स्ट्रीट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बड़ी काफ़ी थोड़ी साफ सुथरी है ना, अच्छी लग रही है। हमारे अभी तक क्रैब भी फंसा हुआ है कि क्रैब कैसे मुझे तो बड़ा डूज के से उठाया, हमारा दिल चाह रहा था उठाने का क्रैब लेकिन हमारे उठाया नहीं, कह रहे मुझे यूं करके बैठा हुआ था ना वो, उससे मुझे डर लगता। क्यों भाई? सर आप जब यहाँ खेले थे तो आप आए थे कभी यहाँ पे? जुनेद ने सिंगापुर बिल्कुल भी हमारे बगैर एंजॉय नहीं किया, मतलब जुनेद मुसलसल कमरे में होते थे या बस ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, और अब हम यहाँ पे आए हैं तो हम जुनेद को सिंगापुर घुमा फिरा रहे हैं, बेसिकली हम घुमा रहे हैं। ये आ चुका है हमारा फाइनली क्रैब, रेड चिली क्रैब। और ये क्या है सुने फुट से? ये क्या है? ये इसके साथ ब्रेड देते हैं ये लोग, क्यूट लग रही है बहुत। इट्स टू हॉट, आई आर बी केयरफुल विद इट। ये मटन और बीफ दोनों हैं, इसको मुझे पता नहीं कि वीक सी आ रही है लेकिन इतनी चाहिए मटन मैम बहुत अच्छा है ना, यमी है ना, मैं ट्राई करना है, मैंने टेस्ट किया है, है मजे का, खाने में नहीं लगी कभी। मैंने ट्राई की, ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आए सिंगापुर तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें, मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब से। और अभी क्रैब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम फिर खाते हैं, लेकिन मैं बन ट्राई करती हूँ, ये ब्रेड है के हाथ इन्होंने पका लिए ना, इसके साथ जो ग्रेवी है क्रैब के साथ उससे ट्राई करते हैं। ओह दैट्स यम्मी, सॉफ्ट है, ट्राई करो बहुत यम्मी है, बहुत मजेगी। Not kidding, बहुत मजे का क्रैब है ये। साथे तो हमने साथे तो हमने मुका दिया है, बहुत मजे का था। और बच्चों में सिर्फ मार्क को पसंद आया है, रायमा को सिर्फ वो जो बन उन्होंने साथ दिए क्रैब के वो पसंद आए हैं, और क्रैब के भी हम ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। अच्छा उन्होंने देखे इसके साथ ना हमें, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें दी हैं इसको खाने के लिए क्रैब को। एक तो बन दिए खाने के लिए साथ, और साथ में उन्होंने हमें दिए ग्लव्स, और इसकी मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, जुनेद बताएंगे उन्होंने ग्लव्स क्यों दिए आखिर हमें। क्रैब को पकड़ के तोड़ना पड़ेगा तो इसलिए तोड़ने लगे हैं। हाँ ये इसके जरा दिखाते हैं आपको कि ये कैसे तोड़ा कैसे जाता है, तो ग्लव्स मैंने तोड़ दिए, तो खाने के लिए तो ग्लव्स की जरूरत नहीं है, तोड़ लेते हैं फिर देखते हैं। अच्छा वेट एक मिनट, देखते हैं ना, वेट वेट वेट। तो सोहा ने अभी तक कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि सोहा के लिए अभी तक जो वो करी और नान है वो नहीं आए, और रामा के और अमार के कॉइन पराठे हैं। ये ऑलरेडी इन्होंने तोड़ के ही दिया हुआ है तो इसका मतलब है शेल बस हटाना है और अब शुरू हो जाएंगे। इस पे खाने वाली क्या चीज़ है इसमें वैसे? इसके अंदर सब कुछ खाने वाला है, यही ऊपर शेल है और अंदर इसके गूदा टाइप होगा, तो असल खाने ये वाला ये जो टांगे ये खाते हैं क्या? हाँ ये अभी अब इसको ये तो नहीं खाने वाले होंगे। एक मिनट में दूसरा ग्लव पहन लूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ खाना कैसे है। जनाब आप सिंपली ये उठाएं, खोलें। ओके आए ये अंदर से कच्चा कच्चा तो नहीं लग रहा? नो no. अच्छा ये चीज व्यूअर्स असल में खाने वाली है और जुनेद को पसंद आ गया और अब क्या मुझे ट्राई करना पड़ेगा? क्रैब मैंने पहले भी खाया हुआ है अच्छा, लेकिन वो डिफरेंट क्रैब था, ये डिफरेंट है और ये बड़ा मजे का बना हुआ है। मैंने भी ट्राई करना है। सिंपल आप इसको तोड़ते जाएं और इसका गूदा खाते जाएं। तो इसके अंदर जो था बाकी जो इसकी मेन इस बड़े शेल के अंदर और क्या था? ये बस वो ये था। अच्छा ये सारा गूदा है इसमें। तो ये मैं खाते ये बन के साथ खाना है ना? है ना, चलें अब मैं भी ट्राई करती हूँ साथ और आपको दिखाते हैं। मैं ट्राई करने लगी हूँ उस बन के साथ जो उन्होंने दिया है और ये जो शेल जो है उसका वो कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है खाना?
अच्छा अंदर से बिल्कुल फिश के जैसा लग रहा है मुझे देखने में। तो बस इसमें ये जो है वाइट वाइट ये सारा खाओ। अच्छा ये वाइट वाइट जो है ये खाना है ग्रेवी के साथ। मैं बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम क्रैब खाने लगी हूँ तो अब देखते हैं कि ये है कैसा। बहुत मजे का बना है। बहुत मजे का बना है। सबसे मजे की बात ये है कि जो है ना हालांकि दुकान रेड चिली तो हमें पता था कि पता नहीं बहुत तेज होगा मिर्चों वाला नहीं खाया जाएगा क्योंकि इतना मुनासिब नमक मिर्च है कि बहुत ही मजे का। टेको क्रैब बहुत ज़्यादा पसंद आ गया माशाल्लाह। और ये किस कदर सफाई के साथ खा रहे हैं। अब इसमें कुछ बचा है या ग्रेवी रह गई है? कुछ है अभी शुरू हुआ है। तो आप जो है ये जिन्हें काफ़ी इंसाफ जो कर रहे हैं क्रैब के साथ मिलके करेंगे मिलके। मैम आपने क्या ऑर्डर करवाया था? चीज़ पराठा विद चिकन करी और ये अमार का फेवरेट है कॉइन पराठा। ये बहुत मजे का होता है इनका। और ये सोहा का है चपाती सेट। खड़े होके उठा लो। आधा घंटा हो चुका है अभी तक क्रैब के साथ मसरूफ है। कितना रह गया? कल तो खाली हो गए अब तक। शेल उसके खाली हो गए उसका पेट खाली कर। और देखिए हेल्दी जुनेद हमेशा इतना हेल्दी खाना हमेशा वो करते हैं कि हम सब लोग हज़र मामूल और हमारे पेट को भी आप देख ही रहे होंगे। और जुनेद ने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है? नारियल पानी। नारियल का पानी लेकिन पी भी नहीं रहे। रैमा को हमारे यहाँ ना बड़ी टेंशन रहती है कि किसी ने कोई चीज़ अपने लिए खाने के लिए या पीने के लिए मंगाई बस वो फ़ौरन खा पी ले छोड़े नहीं। सोच रहे हैं कि थोड़ी सी वॉक वगैरह कर लें और क्योंकि चाइना टाउन हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चाइना टाउन घूमते हैं कि कैसा है और आप लोगों को भी दिखाते हैं साथ साथ। इस तरह की जगह जगह पे इन्होंने खड़े किए हुए तो एक सामने भी है। अमार की अब जिद शुरू हो चुकी है कि उसे कुछ खरीदना है यहाँ से। आप इस किस किस के बच्चे इस तरह से करते हैं बाहर आके। तो व्यूअर्स आज का हमारा ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। होप कि आप लोगों को ब्लॉग मजे का लगा होगा और जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग और नेक्स्ट टाइम हम कहाँ विजिट करें क्या चीज़ ट्राई करें। आप लोगों को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिएगा जरूर कमेंट्स में। और आज हमें बहुत मज़ा आया है यहाँ पे। रैमा ने भी यही चीज़ें ट्राई की है दो तीन। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ख्याल रखिए अपना, खुश रहें, स्टे सेफ, बाय।